बोल रहा है इसके पीच वगैरह उठ गया था थोड़ा वो था, तो अभी ना ये सब भी बन गया। मैंने बहुत नहीं राइडर, ये तो झेलना पड़ेगा, अभी तो स्टार्ट है। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो, कहाँ से हो? लो सीसी का बाइक होने से यही थोड़ा दिक्कत। आजकल क्या है ना गाइस, वो बोलते हैं कि मंजिल पहुंचने से पहले ना इस सफर में मजा आता है। लाइक ओएमजी ओएमजी। सो हेलो नमस्ते नमस्कार दोनों, बहुत वेलकम बैक टू मेरे चैनल आपसे बोलकर मुई शमत राज मिश्र से ब्लॉग। ऑल राइट गाइस, या आफ्टर नागालैंड ट्रिप के बाद मैं घर पे ही रहा, कहीं पे नहीं गया। तो आज बहुत दिन बाद लाइक मतलब नागालैंड ट्रिप के बाद मैं कहीं पे जा रहा हूँ लाइक अपना बहन सिस्टर के साथ। पहले जाने का था मेरी, तो मतलब मेरे सिस्टर को डिमांड था कि उसको टिंगलिंग लेके जाना है, टिंगलिंग व्यू पॉइंट मतलब जहाँ पे मिरिक साइड पे रहते हैं। तो हम फिलहाल राइडर, ये मेरे सिस्टर, हाय कह दे। तो चलिए दोनों भाई बहन जा रहे हम लोग। ऑलराइट गाइस, जैसे कि बोला ये रहा हम लोग का खूबसूरत सा रोहिणी गेट, या रोहिणी गेट। तो अगर आप लोग सीधा जा रहे हैं तो टूवर्ड्स गाड़ीधुरा दुधिया मिरिक, हम लोग को पहले जाने प्लान था वही कि मिरिक जाएंगे टिंगलिंग व्यू पॉइंट। चेक इन बराबर बैठा है, बराबर चेकिंग बैठा है। अरे यार खूबसूरत, अब जैसे कि ये जैसे ये रोड आएगा ना गाइस, मतलब पहाड़ों को फील दे रहे हैं कि पहाड़ बुला रहे हैं हमको, पहाड़ हम लोग को बुला रहे हैं और हम पहाड़ को जा रहे हैं। एंड या गाइस, जैसे कि बोला मतलब फैमिली ट्रिप भी जरूरी है, तो मेरे सिस्टर अपना बहन को लेके जा रहे हो आज लाइक घूमने। वो दो तीन महीने से बोल रहा है कि घूमने लेके जाना है, घूमने लेके जाओ। जब से नया बाइक ले तब से तो और ज़्यादा बोल, कब जाना है, कब लेके जाओगे, कब लेके जाओगे बोल रहा था। तो आज फाइनली कि टाइम निकला एंड आ गया पहाड़ पर। है कि यार एक चीज़ में नोटिस किया, पहले ये वाला रोड थोड़ा बहुत मतलब ऑफ रोडिंग था, मतलब क्या बोलते हैं इसके पीच वगैरह उठ गया था थोड़ा वो था, तो अभी ना ये सब भी बन गया। मैंने बहुत दिन बाद आ रहा हूँ ना, तो ऐसा फील रहा कि अभी मस्त बन गया रोड भी। राइडर और मेरा फर्स्ट टाइम मतलब ये कौशंग वाला रोड जा रहा है जो कि काफ़ी टॉप है और उस पिलियन के साथ। ठीक है, ये रूट से अगर आप लोग को दार्जिलिंग भी जाना आता है ना, तो ज़्यादातर अगर हिल आपको मिलेगा ना, हिल साइड मतलब पावर ऐसा जिगजैग रोड वाला, तो कौशंग से नीचे तो जो वही है टॉप, और उसके बाद तो दार्जिलिंग तो आपको उतना नहीं पता चलेगा, उतना है ही नहीं यार कि बेसिकली उतना है नहीं हाइट, तो राइडर का भी एक वो होगा, चैलेंजिंग रहेगा। तो गिद्दा वी आर कमिंग, वैसे इधर से दिखाई देगा जितना आपको वो दिखा दे रहे हैं ना टॉप, तो उधर ही हम लोग जाने वाला है बस कौशंग। ज़्यादा जैसे आप लोग को ना ऐसे ऐसे दो तीन छोटा छोटा वाटरफॉल्स मिलते रहेगा, लाइक ये देखो छो वहाँ फर्स्ट रोहिणी गेट क्रॉस करके आपको ये वाला मिलेगा, जो कि अभी पानी है नहीं, जो मैं दिखाने वाला था वो है नहीं। तो एंड राइडर को थोड़ा लैग फील हो रहा है, लग रहा है इसका मतलब पावर का प्रेशर आ रहा है। इसको ही नहीं राइडर, ये तो झेलना पड़ेगा, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो स्टार्ट है, आगे कि आपको बहुत जगह लेके जाना है। एंड गाइस, यहाँ पे जो आई लव रोहिणी लिखा है ना, एक्चुअली इधर से है, यहाँ पे एक अच्छा प्लेस से बन गए पहले से, बहुत अच्छा है, बट अभी तो टाइम नहीं का है। एंड उधर एक वाटरफॉल हम लोग बचपन में छोटा में, अभी देखे आज से 5-6 साल पहले हम लोग इधर नहाने आता था। या ओके गाइस, फाइनली राइडर का फर्स्ट स्टेप ये रहा, अभी तक तो छोटा छोटा था लेकिन अभी से टॉप होने वाला है हाइट। चलो 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 राइडर, या आराम ले क्योंकि अभी से ज़्यादा स्टार्ट होगा इसका चढ़ाई, है कि नहीं। अब आगे होता है क्या, आपको भी दिखाते हैं क्या राइडर विथ पिलियन हिल साइड पावर क्या बोलते हो। वेयर यू फ्रॉम ब्रो, कहाँ से हो, कहाँ जाने, साइकिल? हेलो, क्या नाम आपका? कितना दिन हो गया? 5 days बाई साइकिल? वाह ग्रेट यार, चलो जो लोग मतलब क्या बोलूँगा लाइक हम लोग तो बाइक में घूमते हैं ना, और जो लोग का पैशन है ना कि करना है लाइक जुनून जाना है, एक्सप्लोर करना है, हार्ड वर्क करना है, तो ये लोग से सीखना पड़ेगा भाई।
मतलब जुनून है कि जाएंगे, करना है कोलकाता से बाई साइकिल दार्जिलिंग। ग्रेट। और गाइस जैसे कि आज है 23 दिसंबर, दो दिन बाद है क्रिसमस, तो सबको हैप्पी मैरी क्रिसमस टू एडवांस बोलो या हैप्पी न्यू ईयर टू एडवांस। शायद वीडियो आप लोग क्रिसमस के बाद ही देख रहा होगा क्योंकि भाई थोड़ा सोलो है एडिटिंग में, क्या बोलते हो पब्लिक। और गाइस राइडर को थोड़ा आ रहा है, आप ये लग रहा है प्रेशर हो रहा है क्योंकि है तो कम सीसी का बाइक, इसीलिए मतलब क्या बोलूँगा, लो सीसी का बाइक होने से यही थोड़ा दिक्कत अब जो है वही है। ओह माय गॉड, इट्स अ खूबसूरत गाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल। यही है दिक्कत गाइस, लो सीसी का बाइक होने से अगर आप लोग हिल साइड आते हो ना थोड़ा इसका पावर लैग हो जाता है, इसलिए हाई सीसी गाड़ी होने से थोड़ा बेहतर होता, बट अपने पास जो है वही है। एंड गाइस थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया एंड क्या बोलूँगा, अब यहाँ से निकलना पड़ेंगे ना, हमको जाना है एक्चुअली आगे। और ये रहा पॉइंट जहाँ को, अब ये थोड़ा भी एक छोटा स्टॉल भी है, यहाँ पे आप लोग मोमो चाय ब्रेक अच्छा से एक व्यू नज़र आप मिल सकते हैं इधर से, मंजिल हम लोग का उधर है तो जाते हैं। एंड खूबसूरत एक्चुअली क्या है गाइस, वो बोलते हैं कि मंजिल पहुँचने से पहले ना इस सफर में मज़ा आता है। लाइक देखो ये गाइस यार, चेक करो लेफ्ट में, खूबसूरत था के टाउन यानी कार्शियंग टाउन यार, टीवी टावर जैसे, क्या अच्छा क्या दामी दिख रहा है गाइस वेदर के साथ, और बढ़िया इसका लग रहा है। और सामने से ये छोटा छोटा गैप वे में पाइन ट्री, या पाइन ट्री बोलूँगा ना, सही पाइन ट्री होगा शायद, पाइन ट्रीज या। एंड वो रहा जीरो, कार्शियंग जीरो। हम लोग को मेन सिटी में तो अंदर नहीं जाना है, हम वहाँ से लेंगे अपना राइट साइड जो कि जहाँ पे अपन का डेस्टिनेशन है आज के लिए। क्या बोलते हो खूबसूरत ना वो। और ये याद रखना गिद्धे पर आने से आपको इधर से लेना पड़ेगा राइट साइड, जो कि ये यहाँ से राइट। ओके ओके, ये है कार्शियंग जीरो। एंड या फाइनली ये भी एक पॉइंट है जहाँ से मतलब खूबसूरत सा दिखाई देते, पहले इधर रुकते हैं क्या बोलते हो, फिर चाय भी पीते फिर जाते हो उस तरफ वाला, क्या बोलते हो खूबसूरत ना खूबसूरत। तो बाइक का रखे सोच रहे है हम। A few minutes later. So guys यार यहाँ पे हम लोग का इधर ऊपर थोड़ा व्यू देखा एंड एन वहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पिया एंड हम जाएंगे यहाँ से जहाँ पे जाना है। एंड देखो लुक एट दिस व्यूज गाइस, खूबसूरत ना। OMG। एंड लाइक गाइस उधर जाना है हम लोग को, वहाँ पे जाना है। एंड शायद यह भी थोड़ा और रुके क्या, फोटो सेशन करते हैं क्या, खूबसूरत क्या बोलते हो। एंड देखते हैं। और यह है रोप वे जो कि बहुत पुराना, साल कब बनेगा पता नहीं। एंड यहाँ से आराम से रुकते हैं, उधर उधर इसका भी फोटो लेना है ना। गाड़ी रुक नहीं रुकेगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा रिक्स डाउन में है ना। इसका भी वीडियो बनाने चक्कर में अभी है, रील्स बनाना है वीडियो बनाने, क्या बोलो आप। लुक एट दिस व्यू, OMG। ए मज्जर श्यामल राजवंशी। एंड या जो हम लोग रोहिणी वाला रोड एक्चुअली, अरे यहाँ से डायरेक्ट लेक दिखाई दे रहा है, वही वो लेक है ना। हाँ वही तो लेक है, इतना सामने नहीं 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 आई एम कॉन्फ्यूज, नॉट 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 ये वाला नहीं, ये दूसरा वाला लेक है, सॉरी सॉरी। बाद में से हेलमेट और बाद में से हेलमेट वगैरह ये था तो चूल पूरा बिगड़ चुका है गाइस। एंड वेदर कभी एंड वेदर कभी अभी तक एक चिल, एक अभी अभी इधर फिलहाल एक चिल भाई आ रहा है, मतलब हवा ठंडा ठंडा लग रहा है या। एंड कभी कभी सूरज मामा कभी सूरज मामा आ रहे हैं फिर जा रहा है, एंड ऐसे कुछ नजर है। ऑलराइट गाइस यहाँ पे हुआ फोटो सेशन, थोड़ा बहुत 10 मिनट जैसा लगे टाइम, आगे जाएंगे उधर। अने रोपवे, रोपवे या
कब बनेगा पता नहीं, 10 साल से दोस्त नहीं यहाँ शायद 10 साल से भी ज़्यादा हो गया इसको ऐसे पड़ा हुआ। ओहो ओहो ओहो, मौसम को चेक करो, यही में अगर मानसून सीजन में आएंगे ना गाइस तो हरियाली हरियाली देखेगा ये वाला पार्ट। हम लोग का लास्ट पॉइंट यहाँ पे रुकेंगे एंड व्यू नज़ारा लेंगे देन अपन लोग चला जाएंगे। एंड कार रखे, बाइक 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 कार रखे 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 रखे। ओहो ओहो, इधर रख देते हैं नाम दी। सो गाइस यार, जैसे कि हम लोग पहुंच गए गिद्दा पहाड़ पर। गिद्दा पहाड़ में ना अभी ना मतलब मौसम का कुछ आता पता नहीं है वेदर के, अगर मतलब मानसून सीजन में आएंगे ना तो अच्छा खासा और देखने को मिलेगा। लाइक हम लोग आया एंड बहन और मैं आया तो टाइम स्पेंड थोड़ा बहुत किया, अभी यहाँ से निकलना है एंड क्या वीडियो को भी एंड करना है। आप लोग भी आ सकते हो गाइस, थोड़ी कभी टाइम निकल के पेरेंट सॉरी फैमिली टाइम स्पेंड भी करना चाहिए कभी कभी, है कि नहीं। सो सिलीगुड़ी से ये 32 किलोमीटर आई थिंक होगा, मेरा घर से तो ये 29 किलोमीटर था एंड आया थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा। एंड मौसम कभी इधर क्योंकि पहाड़ों का मौसम ना कभी भी चेंज हो सकता है, लाइक ये हुआ हम लोग के साथ। कब तो केन लगे चले हमारे खूब भलो लगे से आसे गुड़िया और बोले एंजॉय से। तो मोर मेरे बहन को ना शायद हिंदी आता ही नहीं है, उसको सिर्फ राजवंशी आता है एक्चुअली का गाइस, ऐसा है कि सीन। सो वो है गाइस, अभी लाइक आज का स्वीट सा शॉर्ट सा वीडियो यही बनाया है ना गाइस, तो टाइम स्पेंड किया थोड़ा बहुत अच्छा लगा। एंड कब ट्रिप होगा कैसे होगा सोच रहे कि लॉन्ग ट्रिप के लिए और जाओ है कि नहीं गाइस, अच्छा लगेगा। एंड जब भी मौका मिलेगा जब भी बजट होगा तो ट्रिप में जाएंगे। एंड ये पहाड़ तो मेरा ही है अपना ही है, जब भी मन आएगा तभी 30 से 32 किलोमीटर आ ही जाऊँगा है कि नहीं। सो गाइस वही है आज का मौसम लाइक यही है फिलहाल, कुछ भी नहीं बोल सकते है ना गाइस। और गाइस और एक चीज़ की जब भी लोग टूरिस्ट लोग आते हैं ना गाइस, एक चीज़ बहुत बुरा लग रहा है कि लाइक जो कुछ लोग जो भी खा रहा है ना गाइस, देखो कुछ ड्रिंक वगैरह ऐसे बोतल वगैरह ऐसे ही देखो गाइस, तो ये चीज़ ना बहुत गला है। जो नेचुरल है ना गाइस उसको नेचर में रखना चाहिए, अगर खाची के आप ही खा रहे आप कोई भी अच्छा जगह लाइक जहाँ पे डस्टबिन वगैरह उसी में रख दो ना। सो नेचुरल को गंदा करना इस मतलब अच्छा नहीं है, बुरा। जो चीज़ खूबसूरत है उसको खुश रूप में रखना चाहिए ना गाइस, लोग क्यों आते हैं इसमें घूमने फिरने टाइम स्पेंड करने ना, तो ऐसा नहीं गलत चाहिए। लोग यहाँ पे आते हैं कोई चिप्स का पैकेट पड़ा रहता है, तो चिप्स क्या है ना गाइस, तो अपना जो छोटा बैग होता है बैग में लेके कहीं पे अपना लाइक उसको जहाँ पे रखना चाहिए डस्टबिन वगैरह में रख देना चाहिए, सही होता ना गाइस। तो ये चीज़ एक्चुअली बुरा है, मैं तो नहीं कर रहा गाइस और आप लोगों को भी बोलूँगा, ये आप लोग का ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। सो वही है गाइस एंड यही है यहाँ के जो मतलब क्या बोलूँगा, कुछ अच्छा देखने के लिए आ रहा है लेकिन बुरा भी दिखने के लिए देखो, लाइक ये देखो बिहार के बॉर्डर से पड़ा हुआ रहता है। सो ये चीज़ गलत है गाइस, गलत है। जो भी गाइस 2023 में किसका अच्छा दिन गया किसका बुरा गया होगा, सो इसको भूल जाओ, नया साल आ रहा है नया जिंदगी, नया साल आ रहा है नया टाइम सॉरी क्या बोला था नया साल आ रहा है, तो कुछ अलग करो है कि नहीं अलग करो। एंड लगा लोग को तो है ही, लगा लोग का तो वही है फैमिली प्रेशर है कि नहीं, अपना शौक़ पूरा करो, जैसे कि लाइक मैं हूँ अपना शौक होता है कि अपना शौक़ पूरा करो या मतलब फैमिली भी देखना पड़ रहा है। तो जब भी मौका मिल रहा है तो जब भी मौका मिलेगा वीडियो लेके आऊँगा एंड ऐसे रहेगा क्या कि नहीं। लोग तो कुछ कहें, लोग तो पीठ पीछे बहुत कुछ बोल रहा है क्योंकि अपना ही कुछ लोग बैक फाइटिंग करने वाला होता है भाई, ऐसी चीज़ों के ना टक के निकल देने के क्या बोलते हो। सो या गाइस अच्छा लगा आप लोगों को भी साथ टाइम स्पेंड करा, जो लोग मुझे राजवंशी ब्लॉगर को लाइक स्टार्टिंग से फॉलो करते हो ना सब्सक्राइबर हो, दिल से शुक्रिया, इतना दिल से शुक्रिया इतना टाइम तक मेरे साथ था। एंड 1K जल्दी होने वाला है, सो सबको और एक बार क्या बोलूँगा थैंक यू सो मच। और हो सके तो अपना फ्रेंड सर्कल में वीडियो वगैरह शेयर कर देना कि जल्दी 1K होने वाला है एंड 1K होने से एक छोटा सा पार्टी भी करेंगे, लाइक मेरा आसपास जो भाई लोग जो साथ में रहते सबको तो बुला सबको तो नहीं बोल पाऊँगा लेकिन वीडियो लेके आऊँगा कि हाँ 1K का एक सेलिब्रेशन करेंगे है कि नहीं गाइस। सो या गाइस वीडियो पे ये पिन कर दें, तब तक अच्छा रहना खुश रहना, नया साल आ रहा है अपना ध्यान रखना, चलो बाय बाय।